मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड आवर टुडेज टॉपिक इज द इंटरफेरेंस। डियर स्टूडेंट, हम लोग रिवीजन लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपने क्लास ट्वेल्थ के जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया, इसके पहले हम लोगों ने डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे चल करके है और आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, राइट। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न की और इंटरफेरेंस क्यों होता है और क्यों हमें वेव ऑप्टिक्स की ज़रूरत है, इन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है वो न्यूटन्स के कल्पस्कर थ्योरी पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कल्पस्कर थ्योरी, लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन हाइजेंस एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि लाइट जो है एक वेव की तरह जो है बिहेव करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ पैटर्न्स देखे जो कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अब आपने शायद 11th क्लास में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है वो एक वेव का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेव जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो कभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करती हैं, कभी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करती हैं, तो कभी उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कभी उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। और डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन वेव का मुड़ना होता है। जब भी कॉर्नर से वेव ट्रेवल करती है तो वेव अपने कॉर्नर से मुड़ जाती है, अपने कॉर्नर से क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ वेव टर्न्स फ्रॉम द एज ऑफ अ बॉडी या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट के एज से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, या मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हाइजेंस साहब ने जो है इसको ऑब्जर्व किया इन द लाइट, लाइट के फिनोमेना इन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग जब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और दो कोहरेंट सोर्सेज को लेते हैं, लाइट के दो कोहरेंट सोर्सेज को लेते हैं और वो लाइट्स जो है आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहाँ पे एक डार्क और ब्राइट बैंड्स का एक जो है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है, जहाँ पर उन्होंने ब्राइट फ्रिंज को एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया और डार्क को उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह एक्सप्लेन किया। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो क्योंकि उस समय जो है हाइजेंस ने जब ये बात बताई तो उस समय उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने इस चीज़ को तो देख लिया और उसके बारे में उन्होंने एनालाइज भी किया कि लाइट के पास जो है वेव नेचर होता है, वो एक तरह की वेव है और उसके बेसिस में उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया, बट उनकी बात को किसी ने नहीं माना। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, थॉमस यंग उनका नाम था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि बहुत ही फेमस इक्वेशन है, फेमस एक्सपेरिमेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, और वो इक्वेशन है थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में इसको हम लोग YDSE कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको इंटरफेरेंस के बारे में काफ़ी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, उसका फेज क्या होगा, जब फेज डिफरेंस कितना होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, इन सब की बात हम लोग आज करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे इंटरफेरेंस के टॉपिक को। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग YDSE एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि तुम आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस। सो लेट वी डिस्कस इंटरफेरेंस, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफेरेंस, इट इज द सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। दिस इज द सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव्स, यहां पर क्या होता है, लाइट का सुपर इंपोजिशन होता है। अब हम लोग अपने माइंड में ये रख करके चलेंगे कि लाइट जो है वो एक तरह की वेव है, राइट। लाइट लाइक अ वेव अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, लाइट एक तरह की वेव है और इसमें जब ये सुपर इंपोजेस करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वेव्स होती हैं, एक से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, उनसे निकलने वाली वेव्स जब आपस में सुपर इंपोज करती हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो सिंपली समझिए कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज द सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब क्योंकि यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट लिख लीजिए आप, राइट, ओके। सो सुपर पोजिशन ऑफ वेव दैट इज द लाइट, है ना।
और ये क्या करता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो पहले मैं थोड़ा सा वेव के बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए आपके पास एक पहली वेव इस तरह से है और ये किसी एक दूसरी वेव के साथ क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है आपका वाई, है ना, दैट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको वाई वन मान लीजिए और इसको आप वाई टू मान लीजिए, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने से जो वेव बनती है, रिजल्टेंट वेव जो मिलती है, उनका जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल सम के बराबर होता है, वाई वन प्लस वाई टू। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड एडअप हो जाएगा, और एडअप कब होगा, जब ये सेम फेज में होंगे। आ रही बात समझ में? सेम फेज में होंगे तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी वेव की जो एनर्जी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इतनी बात आपको पता है। तो अगर लाइट एक तरह की वेव है तो वो भी क्या करेगी, इन फिनोमेनोज को क्या करेगी, फॉलो करेगी, वो इन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के फिनोमेनों को क्या करेगी, फॉलो करेगी। राइट, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। राइट, तो अगर दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, मान लीजिए लाइट वेव है और दो लाइट्स के सोर्सेज जो कि कुछ वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सेम फेज में हैं और वो आपस में मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और ऐसी सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, दैट्स मीन आपको वहाँ पर ब्राइट दिखाई देगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा उस के क्रॉस, तो वहाँ पर आपको ब्राइट दिखाई देगा। सिमिलरली अगर यही जस्ट अपोजिट हो जाए, फेज अपोजिट हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स मीन अगर मान लीजिए एक का एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है, दूसरे का नीचे की तरफ है, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव की, वो रिड्यूस कर जाएगी, और जब रिड्यूस कर जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लाइट के केस में वहां पर आपको डार्क दिखाई देता है, डार्क पैटर्न दिखाई देता है। राइट, तो ये फिनोमेना हाइजन साहब ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने इसको एनालाइज किया। तो देखिए, इंटरफेरेंस को हमें डिस्कस करना है, तो इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम लोग लाइट को वेव मानेंगे, राइट, तो ध्यान से समझिए, जब भी हम लाइट को क्या मानेंगे, वेव मानेंगे, है ना, तो वेव मानेंगे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, दैट्स मीन जो नेट होगा वो वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नेट का नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, दैट्स मीन ये इंडिविजुअल वेव्स के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे केसेस में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब लाइट के केस में, अगर साउंड होता तो आपको लाउड साउंड सुनाई देता, लेकिन अगर आप लाइट के केस की बात करें तो वहाँ पर आपको ब्राइट दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्राइट। तो अगर कहीं पर ब्राइट आपको दिखता है तो कैसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं, वाई वन माइनस वाई टू। तो ऐसे केसेस में आपको आई मीन मिलेगा, तो अगर आई मीन मिल रहा है तो ऐसे केसेस में आपको वहां पर कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। तो आप देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनता है, जैसे मान लीजिए हमने YDSC एक्सपेरिमेंट की मैं थोड़ी बात कर लूँ, मान लीजिए ये दो ओपनिंग्स हैं, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये क्या करते हैं, ये अपनी वेव्स जनरेट करते हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में। हाइजेंस प्रिंसिपल आपने पढ़ा, तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ये आपस में क्या होते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो ये वाला तो ब्राइट दिखाई देगा, फिर ये डार्क हो जाएगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। इस तरह से एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होता है, एक ब्राइट और डार्क का आपको स्पेक्ट्रम नज़र आता है, और ऐसे केसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। और लाइट जो है इस तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, जिसको हाइजेंस ने बताया, और इस बात को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, प्रूव किया। लेकिन कब ब्राइट बनेगा और कब डार्क बनेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और इनके वेव्स के नेचर को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और इनकी वैल्यूज भी क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। तो आइए हम लोग एनालाइज करते हैं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, और इसको हम किस तरह से इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, इनकी बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं। चलिए देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द इंटरफेरेंस, राइट, दैट इज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस।
तो हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे इंटरफेरेंस का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास दो वेव्स हैं, ये पहली वेव हो गई, ये आपके पास एक दूसरी वेव हो गई। अब ये डजेंट मैटर, हमें नहीं पता है कि इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत फेज का डिफरेंस है। मान लेते हैं इसका जो इक्वेशन है वाई इजल टू वाई वन इजल टू ए वन साइन ओमेगा टी, राइट। फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। और दूसरे का हमने मान लिया वाई टू इजल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी वेव हो गई, तो ये पहली वेव हो गई हमारे पास y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव हमारे पास हो गई y2 इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो फाइव फेज डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लिया। अब ये दोनों वेव जो है आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, और सुपर इम्पोज करके एक तीसरी वेव जनरेट करती हैं। अब ये तीसरी वेव कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, और इसके लिए कंडीशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए जो नई वेव बनी, जो नई वेव बनी उसका जो नेट एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो y1 प्लस y2 होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये वैल्यू प्लस होगी, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, राइट। ये बात आप जानते हैं, तो हम लोग इसके लिए कंडीशन क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, आपसे कहता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। तो आप देखिए दोनों इक्वेशन आपके पास में रख दीजिए, यहाँ से आया a1 साइन ओमेगा t प्लस, और यहाँ से आ गया आपके पास a2 साइन ओमेगा t प्लस 5, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ये जो a प्लस b का फॉर्मूला है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो पहला तो टर्म ऐसे लिखा जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, राइट, ये टर्म ऐसे लिखा जाएगा, प्लस ए टू को आपने कॉमन लिया बाहर, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे लिखा आपने साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। ये आपके पास वैल्यू यहाँ से आ गई। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, इसके साथ ए लगा दीजिए, दिस इज द ए वन दैट इज द ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को कॉमन लेते हैं। अब वो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनको हमें कॉमन लेना है, तो ऐसी वैल्यूज़ को कॉमन लेने के लिए देखिए क्या क्या हम ले लेते हैं। देखिएगा वाई वन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास ए वन साइन ओमेगा टी है, और आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी को जब हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू बचती है, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, राइट, और यहाँ पे देखिए आपके पास बचेगा a2 टू कॉस ओमेगा टी, ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। यहाँ से साइन ओमेगा टी एक बार फिर से इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है a1 वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू, तो यहाँ से हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन a साइन ओमेगा टी कॉस फाइव कॉस बी प्लस कॉस a कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइव। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ को क्या कर लिया, यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या एजम्पशंस लेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको हमने लिखा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखा हमने ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, और यहाँ पर हमने इसको साथ में ले लिया ए टू साइन फाइव, और कॉस ओमेगा टी को ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर हम लोग एजम्पशंस लेंगे, क्या एजम्पशंस लेंगे देखिएगा, एजम्पशंस लेने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। एजम्पशंस में मान लेते हैं, लेट क्या अज्यूम करते हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव दिस विल बी इक्वल टू, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव दिस विल बी इक्वल टू दैट इज द, इसको आप मान लीजिए कॉस थीटा, इसको क्या मान लीजिए आप, कॉस थीटा। सिमिलरली आप ए टू साइन फाइव को आप मान लीजिए साइन थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर ए हो गया और ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब इनकी वैल्यूज आप इन वाले इक्वेशन में पुट करिए, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफोर y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये देखिए साइन ओमेगा टी तो ऐसे ही रहेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे a1 वन प्लस ए टू कॉस फाइव को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आप a2 टू साइन फाइव को आप क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, तो हमने लिखा साइन थीटा, और यहाँ से आ गया कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर के आ गया, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर देखिए अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, आप ध्यान से समझिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ए वन, थोड़ी सी गलती हमने कर दी, ए वन ए टू कॉस फाइव, इसको मान लीजिए ए एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा मान लीजिए, इसको आप ए साइन थीटा मान लीजिए,
तो इसके साथ भी ए आएगा और इसके साथ भी ए आएगा, तो ए को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। देखिए क्या इक्वेशन बन गया, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। तो ये इक्वेशन आपके पास बन करके आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसका मतलब जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो उससे जो तीसरी वेव बनती है वो भी एक तरह का वेव ही होता है, जिसका एम्पलीट्यूड वो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपसे कहा, तो मैंने आपसे ये कहा कि आप देखो, आपने पढ़ा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ से जो y की वैल्यू आई है वो आई है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। ये आपके पास यहाँ से वैल्यू ये निकल करके आ गई। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, राइट, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो हम लोग एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपने इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी आपने ज़ूम किया है, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो देखिएगा, इसको स्क्वायर करूँगा मैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी। ये ए टू साइन है, कॉस नहीं है, ये साइन है, ठीक है, दिस इज द साइन फाई। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आ गई। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ से a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लें तो a1 स्क्वायर तो ये रहेगा ही, यहाँ से a2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, और यहाँ बचा 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। एक बार मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई आपको, अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब जो है काफ़ी आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू वन हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल करके आ जाएगी। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर, और ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये इंटेंसिटी के बराबर है। इसका मतलब इंटेंसिटी का इक्वेशन आपके पास आ गया, आई इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, राइट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसी के बेसिस पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं और इसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो आई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो आई जो होगा वो मिनिमम होगा। दैट्स मीन अगर दो सोर्सेज से निकलने वाली लाइट अगर आपस में मिलती हैं और इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलती है तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है तो ऐसे केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा। ओके बच्चों, तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे कि कब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन कब होगा। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मेशन कब होगा और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मेशन कब होगा। तो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है आई इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, इनको बताने के लिए। तो बच्चों ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो आई जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव, तो मैं केस फर्स्ट स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज द केस फर्स्ट। तो इफ यू हैव टू डिस्कस द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में अगर हमको डिस्कस करना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपको आई मैक्स चाहिए। आई मैक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि लाइट के केस में अगर लाइट है तो ये ब्राइट होगा,
और अगर साउंड है तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। तो ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, साउंड वेव के लिए भी और लाइट वेव के लिए भी। अगर लाइट है तो लाइट के केस में कैसा होगा, ब्राइट होगा, और अगर साउंड है तो कैसा साउंड सुनाई देगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। तो इसके लिए मुझे आई मैक्स बनाना है, तो आई मैक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 1 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अब आप ध्यान दीजिए कि कॉस फाई की वैल्यू 1 कब कब होती है, तो जब फाई की वैल्यू कितनी हो, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं। उसके बाद 2 पाई हो, 2 पाई पर भी जिसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। इसके बाद 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, इन सब पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब ये कॉस फाई 1 हो जाएगा तो आपको आई मैक्स मिलेगा। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं, तो फाई की वैल्यू जब 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, या अगर मैं जनरली लिखूं तो 2n पाई हो, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पर n क्या है, n जो है एक होल नंबर है। n क्या है, ध्यान रखना होल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर हम लोग नहीं ले रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना। कहीं कहीं पे 2n-1 लिखा जाता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, होल नंबर ले रहे हैं, हम लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। जब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, होल नंबर है, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो आपको पता चल गया 2n पाई, इसका मतलब 2n पाई होगा फेज डिफरेंस। तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, तो आई मैक्स जो आपका हो जाएगा, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो आपके पास आ गया आई मैक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया a1 + a2 square + 2a1 a2, और इसको लिख सकते हैं आप a1 + a2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दिस विल बी a1 + a2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपने पढ़ा था कि आई मैक्स जो होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है, इसका मतलब जो ए है वो a1 + a2 के बराबर है। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं इंडिविजुअल वेव्स के, वो आपस में क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, दे विल एडअप, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वेव को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फेज डिफरेंस, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो हमारे पास आ गया 2n पाई, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये रिलेशन आपको क्या करना है, हमेशा रिमेंबर रखना है, दैट इज द डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई की जगह पे रख दो आप लैम्डा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आपने रखा 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, n लैम्डा। तो ध्यान रखना कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब भी आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा या ब्राइट आपको जो है बैंड दिखाई देगा लाइट के केस में, तो ऐसे केसेस में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, n लैम्डा होगा। कितना होगा, n लैम्डा होगा। और जब फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई होगा। तो इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे मिनिमम इंटेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, मिनिमम इंटेंसिटी की। ओके बच्चों, तो आई होप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसके लिए केस आप याद रखना कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द केस सेकंड, दिस इज द केस सेकंड, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका क्या मतलब है, आपको आई मिनिमम मिलेगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अगर साउंड की केस, साउंड के केस की बात करें तो आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगा, और अगर आप लाइट के केस में बात करें तो आपको वहां पे डार्क बैंड दिखाई देगा, राइट। तो अगर ये वैल्यू मिनिमम है, अगर आपको आई मीन चाहिए, अगर आपको आई मीन चाहिए, आई मीन का मतलब, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होना होगा, जीरो होना होगा, राइट। कॉस फाई की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो किस केस में होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, फाई की वैल्यू जीरो कब होती है, तो फाई की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज विल बी, दैट विल बी नॉट जीरो, दिस विल बी माइनस वन, राइट, नॉट जीरो, दिस विल बी माइनस वन। ये क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। तो बच्चों, अगर ये वैल्यू मिनिमम होनी है, आई की वैल्यू मिनिमम होनी है, तो ऐसे केसेस में आई की वैल्यू अगर मिनिमम होनी है,
आई की वैल्यू अगर मिनिमम होनी है तो ऐसे केस में कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन होनी चाहिए, राइट। जीरो नहीं होगी क्योंकि माइनस वन जो है वो जीरो से छोटा ही है ना, नंबर लाइन में आप देखेंगे तो माइनस वन इधर होता है, तो इसलिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस वन होनी चाहिए। और माइनस वन कब होती है इस चीज को देखिएगा, फाई की वैल्यू जब पाई होती है, थ्री पाई होती है, फाइव पाई होती है ना, और सेवन पाई होती है, इसका मतलब क्या है इस मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में, राइट। आप देखो पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, नाइन पाई, इस तरह से आएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टू एन प्लस वन पाई, राइट। जहाँ पे एन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एन जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करें, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पर जीरो रखते हैं तो ये पाई आ जाएगा, वन रखते हैं तो कितना आएगा, थ्री पाई आ जाएगा, टू रखेंगे तो कितना आएगा, फाइव पाई आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न आपको मिलेगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, तो आई मीन जो होगा, अब आप देखिए ए वन स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। अब यहाँ पे कॉस फाइव की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा माइनस, तो टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू। दैट्स मीन अगर आप आई मीन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर के बराबर होता है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू आ गया ए वन माइनस ए टू। इसका मतलब वहाँ जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में जो इंडिविजुअल वेव्स होती हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको याद रखना है वो रखना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो होता है वो टू एन प्लस वन पाई होता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे एन क्या है, होल नंबर है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, राइट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर है वो ये है कि आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, लैम्डा अपॉन टू पाई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन टू पाई मल्टीप्लाइड बाई टू एन प्लस वन पाई, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, ये रिलेशन आपके पास आ गया। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। अगर आपने ये दो बातें याद रखी हैं तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब किसी किसी बुक में यहाँ पर माइनस साइन लगा करके दिया हुआ है, तो टू एन माइनस वन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि अगर टू एन माइनस वन है तो ये जो नंबर होगा, एन की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। हमने यहाँ प्लस लिखा है इसलिए हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया है, और अगर आप 2n माइनस वन लिखते हैं तो यहाँ से आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि n जो है, क्योंकि पहले वाले में भी हमने 0 से अज्यूम किया था और यहाँ भी 0 से अज्यूम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 0 से लेकर के n तक जाएगी, तो यहाँ पर होल नंबर है, राइट। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, मतलब आपको लाइट के केस, लाइट को अगर आप वेव मान रहे हैं तो वहाँ पर आपको डार्क मिलेगा। और कंस्ट्रक्टिव में जब फेज डिफरेंस आपका होता है 2n पाई और पाथ डिफरेंस होता है l लैम्डा, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और इस केस में आपको ब्राइट जो है बैंड आपको दिखाई देता है, अगर साउंड है तो आपको लाउड साउंड दिखाई देगा। तो YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसको अगर आप इतना समझ गए, और ये वेव पर भी उतना ही अप्लीकेबल होता है, ये वेव क्योंकि लाइट को आप वेव मान के चल रहे हैं तो वेव के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लाइट को एक वेव मान करके डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों आई होप इतनी बात आज समझ में आ गई होगी। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो YDSE पे होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे होगा, एक बेसिक आपका तैयार हो गया जिससे कि आगे की बात आप आसानी से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।